मोदी ने किस प्रकार से आरबीआई में डकैती डाली, किस प्रकार से डाका डाला है आरबीआई में, जरा ये बता दूं। मेरे पास में एक बड़ा अच्छा सा एक कार्टून आ रहा है, इस कार्टून को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा इस कार्टून को देखिए, ये देखिए, आई विल नीड दीज, और ये ले गए 1,76,000 crores, और ये कच्चे दिन बोल रहा है कौन, आरबीआई, ये सिर्फ कच्चे में रहेगा ऐसा बताना। इस कार्टून अच्छा कार्टून बनाया जी, अच्छी बात, अच्छा कार्टून बनाया, क्रिएटिविटी को सलाम, लेकिन सच्चाई क्या, सच्चाई जरा देखते हैं, सच्चाई, अब इसके पीछे की सच्चाई भी देख ले, आरबीआई के पीछे की सच्चाई। पहले क्या होता था, पहले 1,76,000 crore का नुकसान होता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, 2G स्पेक्ट्रम में, और ये CAG की रिपोर्ट हमारी नहीं थी, CAG की, पहले इतना नुकसान होता था। अब क्या होता, अब ये पैसा लाइव मिंट की खबर है, ये पैसा भारत सरकार को ट्रांसफर होता है, अब ये सरकारी खजाने में रहता है। पहले 1,76,000 crore का घोटाला होता था, और कौन खा जाता था, आपके सामने है, UPA सरकार खा जाती थी, UPA के जो लोग हैं वो खा जाते थे। अब वो लोग भी जेल जाने वाले हैं, इसलिए बड़े परेशान हैं, इसलिए उल्टी सीधी बातें, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। लाख 76,000 crore की लूट होती थी, आज 1,76,000 crore रुपए जमा होते हैं सरकारी खाते में। अब क्या फर्क आ जाता, आखिर ये 1,76,000 crore किस लिए आ गए, कहां से आ गए? देखिए, कोई आरबीआई ने अपने खाते से निकाल के नहीं दे दिया, आपके खाते से नहीं दिया, आरबीआई जो बिजनेस करती है उससे, बैंक्स का जो बिजनेस करती है, बैंक्स को जो लोन्स देती है, जो तमाम सारी उसकी इक्विटी, जो उसकी बिजनेस है, उसमें उसको बैलेंस शीट में फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए 13.4% का उसका बढ़त हुई है बैलेंस शीट में, और 41,00,000 crore रुपए इन्वेस्ट उसके पास में एक्स्ट्रा आए हैं। ये है खबर, जो आरबीआई नुकसान में रहती थी पिछली सरकार में, वो आरबीआई अब फायदे में है। तो जो फायदा है, जो सरप्लस है, वो सरकार के पास ट्रांसफर किया गया, तो ऐसे कैसे कर लिया, मजाक चल रहा है क्या? तो मैं बताता हूं आपको, सर ऐसा ऐसे कर लिया, क्योंकि अब मैं बोलूंगा तो आप नहीं मानोगे, आप लोगों को तो सबूत चाहिए, आप लोगों को तो बिना सबूत के बात नहीं बनती। चलिए तो सबूत दिखा देता हूं सीधे, इंडिया टुडे, आज तक की न्यूज, आज तक की न्यूज है ये, हर सरकार को अपना सरप्लस फंड देता रहा है आरबीआई, फिर किस बात की है लड़ाई, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, हर सरकार को आरबीआई अपना सरप्लस देता रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा से होता आया, लेकिन पहले कम देते रहे क्योंकि फायदे में था ही नहीं, इनको आरबीआई चलाना ही नहीं आता था, इनको आरबीआई चलाना नहीं आता था, इनको सरकार चलाना नहीं आता था, इनको कंपनीज चलानी नहीं आती थी, इनको सिर्फ एक चीज आती थी, रिश्वतखोरी, इनको घोटाले करने आते थे, और कुछ भी नहीं आता था इसके अलावा। तो जब ऐसा होता है कि जब लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार जब ट्रांसफर होता है, हर साल होता, तो इसमें कौन सी नई बात है? तो ये झूठ क्यों बताया जा रहा है देश के अंदर, क्यों बोला जा रहा है कि देश के अंदर पैसे की कमी है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है? जी नहीं सर, कुछ कमी नहीं है, ना तनख्वाह देने की कमी है, ना कोई कमी है, भरपूर पर्याप्त पैसा है सरकार के पास, बहुत पैसा है, लेकिन हर बार हर सरकार को सरप्लस ट्रांसफर होता है, ये बहुत स्पष्ट है, हर सरकार को, आज तक की न्यूज पढ़ा रहा हूं आपको, ये देख लीजिए, जिनको नहीं दिख रहा होगा जूम कर देता हूं, आज तक की न्यूज है, और ये कहता है हर सरकार को अपना सरप्लस फंड देता रहा है आरबीआई, फिर किस बात की है लड़ाई। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आखिर क्यों देता रहा, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक को अपने पास बचे सरप्लस फंड को अपने ओनर यानी सरकार को देना होता है, इसलिए देता है, कोई एहसान नहीं करता, ये देना होता है। आरबीआई एक्ट 1934 में जब बना था, तब ये बहुत स्पष्ट था कि जो सरप्लस फंड है आपके पास, वो आपको सरकार को देना होगा। रिजर्व बैंक ने हर सरकार को ऐसा सरप्लस फंड दिया है,
बहुत स्पष्ट है, आज तक की न्यूज है, मेरी नहीं है। देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको, आज तक ये देख लीजिए, आज तक आके फाड़ के देखिए। आरबीआई एक्ट में, आरबीआई एक्ट 1934 में स्पष्ट लिखा है, जो सरप्लस फंड है, जो बचा हुआ पैसा है, वो सरकार को देना होगा। और रिजर्व बैंक ऐसा हर सरकार को देता आया है। अब स्पष्ट है, अब क्लियर है, अब आरबीआई का फंडा क्लियर हो गया आपको। अब क्या क्या हुआ, किस किस को दिया, कब कब, चलिए जरा ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, आरबीआई जिसको कि सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है, केंद्रीय बैंक कहा जाता है, केंद्रीय बैंक की ओर से, यानी आरबीआई की ओर से सरकार को साल 2007 और 8 में 15,000 करोड़ रुपए दिए गए। कब? 2007 और 8 में, यानी यूपीए सरकार में, यानी कांग्रेस की सरकार। 2008-09 में 25,000 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है साहब, ये भी यूपीए मनमोहन सिंह की सरकार, ठीक है। देखिए लोग चुप रह के, मौन रह के कैसा बड़ा गेम बजा जाते हैं, कितना झूठ, खा गए डकार भी नहीं ले रहे, घोटाला कर गए। ये पैसा कहां गया, ये पैसा क्यों नहीं जनता के सामने आया, ये पैसा खा गए क्या उस समय के यूपीए के सरकार के लोग? 2007 और 8 में 15,000 करोड़, 2008 और 9 में 25,000 करोड़, इसके बाद 2009 और 10 में 18,759 करोड़, 2010-11 में 15,000 करोड़, 2011-12 में 16,000 करोड़, 2012-13 में 33,000 करोड़, 2013-14 में 52,000 करोड़। ये सब यूपीए सरकार का बता रहा हूं आपको, सोनिया गांधी सरकार का, मनमोहन सरकार का। राहुल गांधी जी आके खोल कर देखिए, थोड़ी शर्म कीजिए, डूब मरिए। और ये बिस्किट और पप्पू पे पदार्थ वाले लोग, इसको देख लेना, नशा उतर जाएगा तुम्हारा। हमेशा से देती आई है आरबीआई, सबको देती आई है, कांग्रेस सरकार ने भी लिया, और उन्होंने लेकर क्या किया, उन्होंने घोटाले किए, उन्होंने 2G 3G जीजा जी CWG सब कुछ किया। इस सरकार ने क्या किया, उज्ज्वला योजना लाई, गांव गांव बिजली पहुंचाई, उजाला के बल्ब लाए, 450 का बल्ब 65 रुपए में दिया। इस सरकार ने ये किया, समझ में आ रहा है। इस सरकार ने वंदे भारत ट्रेन चलाई, इस सरकार ने आपको हर वो सुविधा मुहैया कराई जो एक डेवलप्ड नेशन में होती है। बस इतना सा फर्क है, हमेशा से पहले से लेते आए हैं, सब लोग लेते आए हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह सरकार, सोनिया गांधी की सरकार, 2007-08 में 15,000 करोड़, 8-09 में 25,000 करोड़, 9-10 में 18,000 करोड़, 10-11 में 15,000 करोड़, 11-12 में 16,000 करोड़, 12-13 में 33,000 करोड़, 13-14 में 52,000 करोड़। ये सब मनमोहन सिंह सरकार चुपचाप से मौन रहकर पी गए पैसे, कहां गया कोई पता नहीं। हिसाब दीजिए साहब, अब मैं क्या बोलूं, आपने ये कहा था कच्चे दिन, अब हम क्या बोले, तब कौन से दिन थे, तब बिकनी वाले दिन थे क्या, मेरा सवाल, तब बिकनी वाले दिन थे क्या, जब आप लोग ये पैसा खा गए, जनता का, देश की गाड़ी कमाई जब आप खा गए, वो पैसा कहां है, उसका हिसाब चाहिए, क्योंकि उसमें टैक्स में पैसा मैंने भी दिया था, मैंने भी लोन लिया था, मैंने भी बैंक को बिजनेस दिया था, और उसी बैंक के बिजनेस से आरबीआई के पास पैसा पहुंचा था। हम ये जानना चाहते, देश की जनता ये जानना चाहती है, आखिर वो पैसा कहां, वो पैसा कौन खा गया, कौन से जीजा जी खा गए, जवाब मांगता है भारत।